तो इधर रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक आज करेंगे प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी कई क्षेत्रों में करेंगे जनसंपर्क। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत आज भी प्रबुद्धजनों से करेंगे भेंट। पीसी चीफ दीपक बैज वार्डो में लेंगे बैठकें। देर शाम विभिन्न समाजों के साथ भी करेंगे बैठक। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी 3 वार्डो में करेंगे जनसंपर्क। तो कांग्रेस के एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता रायपुर दक्षिण विधानसभा में जीत पाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं की आज सभाएं होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पीसी चीफ दीपक बैज अलग अलग जगह पर आज सभाएं करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी आज प्रबुद्धजनों से भेंट करेंगे और पीसीसी चीफ दीपक बैज बैठकें लेंगे अलग अलग वार्डों में। देर शाम विभिन्न समाजों के साथ भी बैठक ली जाएगी। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए अब कांग्रेस पूरी तरीके से कमर कसती हुई नजर आ रही है क्योंकि सभी दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं वो जमीन पर उतर आए हैं और आज अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कौन कौन आज पूरी तरीके से ताकत झोंकता हुआ नजर आएगा? निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण उपचुनाव में आज कांग्रेस के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे, अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खुशालपुर से उनकी जनसभाओं की शुरुआत होगी, इसके बाद में धर्मनगर, तेलीबांधा और पुजारी पार्क के पास भी उनकी सभाएं होंगी, तो 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आज सुंदरनगर वार्ड में और सदर बाजार वार्ड में जनसंपर्क करेंगे, प्रचार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरणदास महंत भी आज जनसंपर्क करेंगे, प्रबुद्धजनों से लगातार उनकी मुलाकात है वो जारी है। इसी तरह से पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है वो लगातार बैठकें भी लेंगे और शाम को जनसंपर्क भी करेंगे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत लगातार प्रचार आज करते नजर आएंगे। मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड और महामाया मंदिर वार्ड में उनका जनसंपर्क रखेंगे। अलग अलग वार्डों में अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार प्रचार करते नजर आएंगे। साथ ही साथ 35 विधायकों की कांग्रेस ने पहले ही ड्यूटी लगाई हुई है तो वो भी प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। बूथों में पर्ची बांटते हुए भी विधायक जो है वो नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से दक्षिण का जो चुनाव है अब लगातार हाई प्रोफाइल होता नजर आ रहा है जी। तो कुल मिलाकर दक्षिण का चुनाव हाई प्रोफाइल होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी ताकत दोनों ही पार्टियां यहां पर जीत के लिए झुकते हुए नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी तमाम जानकारी देने के लिए।